नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है ग्यारों का यार होस्ट राहुल भोज। तो भाई, बिग बॉस ने अपनी कही हुई बात मान ली। उन्होंने सोचा कि यार, कंटेस्टेंट को हमने मौका तो दिया लेकिन वो टाइम वेस्ट करा रही हैं, सो इट्स बेटर कि अब हम लोग जो हैं इस कंटेस्टेंट को निकाल ही देते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मुस्कान की, जी नहीं, मैं यहाँ पर एक और कंटेस्टेंट की बात कर रहा हूँ जो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई थी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए टोटल 5 लोग थे, 3 लड़के थे, 3 लड़कियां, 2 लड़कियां थी, मुस्कान और वोटिंग की मैं बात करूं मुस्कान लास्ट में थी, फिर उसके एक ऊपर जो है नायरा बनर्जी थी, फिर एक ऊपर जो है आपका रजत थे, अविनाश थे और विव्यान थे। ऐसे में रजत, अविनाश और विव्यान ये तीनों तो सेफ हैं, लेकिन नायरा पर जो इविक्शन की तलवार थी वो लटक रही थी और नायरा फाइनली आउट हो गई। मुस्कान को इन्होंने बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता कर दिया, क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, उनको मौका दिया था, वो नहीं बढ़ रही थी आगे। बट यहां पर अगर बात की जाए तो नायरा को मौका दे दे के अब थक गए थे और मेकर्स को लगा यार ये तो कॉन्टेंट नहीं दे रही है और इसको अब निकाल देते हैं। चलिए, बिग बॉस की मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं, हैप्पी हूं कि एटलीस्ट अब जो और डिजर्विंग वन है बिग बॉस के घर के लिए, जो और कर सकते हैं, शो को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मुद्दे लेकर आ सकते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो गया है। कि क्योंकि पहले क्या होता था कि कंटेस्टेंट अगर कंटेंट नहीं दे रहे फिर भी उनको जो है एंड तक रोका दिया जाता था, या फिर एंड तक, या फिर यू नो 10 हफ्ते तक, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते तक इस तरीके से रोक दिया जाता था। लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि कंटेस्टेंट्स को साफ तौर पे बोल दिया जा रहा है कि भाई आपने कंटेंट नहीं दिया है तो आपको हम यहां से बाहर कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। नायरा बनर्जी की अगर हम जर्नी देखेंगे तो नायरा ने शो में कुछ भी नहीं किया। पहले हफ्ते, दो हफ्ते वो कुछ भी, फिर भी हंसी मजाक यही सब कर रही थी। तीसरे हफ्ते में जबरदस्ती की फाइट कर रही थी वो रजत के साथ, जिसके चलते नायरा को इविक्शन का सामना करना पड़ा। और ये बात सही भी है, आप कंटेंट नहीं देंगे और आपकी जो पर डे के चार्जेस हैं या पर वीक के जो चार्जेस हैं वो लाखों लाख हैं, तो इसलिए हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, क्यों, ऑडियंस भी नहीं देखना चाहती, टीआरपी भी नहीं आती है, उनका वेस्ट है, तो उनको निकाल दो। खैर, वैसे मेकर्स ने कोशिश तो अच्छी करी, अब देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा कॉन्टेंट के लिए अब किसको लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है नायरा के एविक्शन पर, कॉमेंट करके जरूर बताएं।